हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप एडसेंस में पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आपको पता होगा एडसेंस क्या है। जैसे आपको यूट्यूब से पैसे मिलते हैं तो वो एडसेंस में जाते हैं। जब भी आपके एडसेंस में $10 से अधिक हो जाते हैं तो आपको पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर सकते हो और आपको कौन सा बैंक ऐड करना चाहिए, और आपको एक दो डाउट भी क्लियर करूंगा, जैसे स्विफ्ट कोड क्या है और ये कहां से मिलते हैं, और आपका एडसेंस किसी और के नाम पे है और आप बैंक किसी और के नाम पे ऐड करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे बैंक एडसेंस आपके नाम पर है और बैंक अपने पापा का ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और यार वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैंने एडसेंस पे जो पेमेंट मेथड ऐड करना इसका वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखा था, बट उसमें मैंने एक दो गलती कर रखी थी। गलती ये थी कि मैंने मेरी जो एडसेंस की पब्लिश आईडी होती है वो यहाँ पे शो कर रखी थी, तो उसका मेरे को आगे जाके कोई नुकसान हो सकता था। मैंने सोचा ये वीडियो तो रूम में कर दूँ और अब ढंग से वीडियो बनाया जाए जिसमें ये हाइड कर दिया जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक साल पहले ही बना दिया था मैंने ये वीडियो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा क्योंकि इसमें एक दो नए अपडेट भी हुए हैं तो वो बताऊँगा पूरा, तो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है एडसेंस का जो एप्लीकेशन है यूट्यूब ने बंद कर दिया है, तो यहाँ पे सिंपल हम किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ, तो सिंपल मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। आपको सिंपल कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपको सर्च करना है गूगल एडसेंस। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ ओपन होगा, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको गूगल एडसेंस ये ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। अब जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। अगर आपके सामने ऐसा कुछ नहीं खुलता है और आपके सामने साइन इन और साइन अप का ऑप्शन आता है, तो आपको सिंपल अगर ऑलरेडी बना रखा है एडसेंस का अकाउंट तो आपको साइन इन करना है, अगर नहीं बना रखा तो साइन अप करके आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट तो आपने क्रिएट कर लिया होगा मोनेटाइज ऑन करने के लिए, जो रिव्यू में चैनल भेजते तो वहाँ पर एडसेंस बनाना पड़ता है पहले, उसके बाद ही रिव्यू में जाता है। तो सिंपल आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आपको सिंपल 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करते आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऐसे आप कंप्यूटर में ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा। ये मोबाइल में था तो पहले थोड़ी स्क्रीन बड़ी दिखा रहा था, अब डेस्कटॉप साइट हो गया मतलब कंप्यूटर में वैसे खुलता है। तो सिंपल आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप एक बैंक अकाउंट को 4-5 एडसेंस में ही लिंक कर सकते हैं, ज़्यादा में नहीं कर सकते। अगर आप 2-3 यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपके पास 2-3 एडसेंस अकाउंट होंगे तो आप एक बैंक अकाउंट को 4-5 में ही ऐड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे एडसेंस अकाउंट में $11.67 पड़े हैं यहाँ पे। तो सिंपल आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है व्यू पेमेंट पे, व्यू पेमेंट पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो जब भी आपके अकाउंट में $10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको ये एडसेंस वेरीफाई के लिए बोलेगा, तो गूगल आपको घर पे जो एडसेंस के लिए पिन होते हैं वो पिन भेजेगा। अगर पिन भी नहीं भेजे तो आप यहाँ पे आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। जैसे आप वो कर लोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा हाउ यू गेट पेड। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा ऐड पेमेंट मेथड का। मैंने पहले से कर रखा था तो मैंने वो वीडियो पहले भी बना रखा था, आपको बताया था मैंने। तो सिंपल मैं यहाँ पे दूसरा आपको बैंक ऐड करके बताऊँगा, सिंपल वही प्रोसेस पहले बैंक में है। तो यहाँ पे मैनेज पेमेंट मेथड पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने आएगा ऐड पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कर रखा है तो यहाँ पे आ रहा है वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट। तो सिंपल मैं आपको करके बता देता हूँ कि आपके सामने क्या आएगा। तो ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करते हैं। सिंपल आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा खुल जाएगा ऐड पेमेंट मेथड। अब आपके सामने यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बेनिफिशियरी आईडी, नेम ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक नेम और IFSC, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। तो आपको सबसे पहले बता दूं यहाँ पर जो बेनिफिशियरी आईडी है ये ऑप्शनल है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, कोई ज़रूरी नहीं है भरने की। और फिर यहाँ पर नेम ऑफ बैंक अकाउंट, इसमें आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे मैं मेरा नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे। अब आपको बैंक नेम लिखना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट, जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, कोई सा भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको सिंपल वो लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ये लिखने के बाद आपके सामने है IFSC कोड जो आपके पासबुक पर आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर IFSC कोड जो भी है वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं, तो मैं मेरे बैंक का IFSC कोड यहाँ पे डाल दिया।
अब आपके सामने आता है स्विफ्ट BIC। ये क्या होता है? ये एक कोड होता है जो आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए अपने इसमें लगाना पड़ता है। जैसे आप किसी दूसरे देश से अपने देश में पैसे मंगा रहे हो तो आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको अपने बैंक से मिलेगा, आपको ना शायद ऑनलाइन मिलेगा और ना कहीं और पर मिलेगा, ना ही आपके पास रुपये हैं। तो आपको सिंपल अपने बैंक में जाना है, बैंक से किसी स्टाफ से पूछ लेना है, या फिर बैंक में एंटर करोगे तो बैंक में बोर्ड लगा होता है जिसमें कौन सी ब्रांच है, IFSC कोड क्या है, और यहाँ पर पूरा डिटेल होता है, तो उसमें स्विफ्ट कोड भी लिखा होता है। तो आपको वहाँ से देख लेना है या फिर किसी भी स्टाफ से पूछ लेना, वो बता देगा नहीं मैनेजर से ले लेना है। तो यहाँ पे सिंपल स्विफ्ट कोड ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मेरा बैंक ऐड है तो मैं यहाँ पे स्विफ्ट कोड ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को बैंक ऐड नहीं करना है। फिर स्विफ्ट कोड ऐड करने के बाद ये 9 से लेकर 11 करेक्टर तक होते हैं, और यहाँ पे फिर ऑप्शन है अकाउंट नंबर। तो सिंपल आपको अकाउंट नंबर डाल देने हैं अपने, फिर यहाँ पे रीटाइप अकाउंट नंबर, सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है इमीडियरी बैंक, आस्क योर बैंक, और FFC और FBO, इन दोनों ऑप्शन को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपके सामने आएगा टर्म एक्सेप्ट कराएगा, मेरे यहाँ पे आ रखा है सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कर रखा है। तो आप यहाँ पे मेरे सामने ऐसा कुछ आ रहा है, आपको टर्म एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको सिंपल सेव कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा, और ना मेरे को ऐड करना है पेमेंट मेथड, तो मैं सिंपल यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। और जब आपका गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा तो आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, हाउ गेट पेड, और यहाँ पे आएगा वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट के आखिर के 4 डिजिट, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अब आपको कोई भी सेकंड बैंक अकाउंट ऐड करना है तो जैसे यहाँ पे पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे तो दूसरा ऐड भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे $11.67 है। मेरा मोनेटाइज पहले ऑन हुआ था बट किसी रीज़न की वजह से ऑफ हो गया। अब मेरा चैनल रिव्यू में है, जब भी ऑन होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, और इस चैनल पे आप यूट्यूब से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी, कैशबैक रिलेटेड मिल जाएगी, और कंप्यूटर मोबाइल से जुड़ी टेक एंड टिप्स मिल जाएंगी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ID है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।